हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसी कंडीशंस के बारे में जिनके सिम्टम्स लगभग सिमिलर दिखते हैं लेकिन अपने आप में दोनों बीमारियां अलग है या दोनों कंडीशंस ही डिफरेंट है। आज हम बात करेंगे किडनी पेन के रिगार्डिंग और साथ के साथ बैक पेन के रिगार्डिंग। जब भी पेशेंट क्लिनिक में आता है क्या कंप्लेन करता है, मेरी किडनी में दर्द हो रहा है, किडनी फेलियर के पेशेंट्स जितने भी होते हैं। बट एक्चुअल में किडनी का जो भी पेन रहता है वो रेफर्ड पेन के तौर पे आता है। किडनीज के एग्जैक्ट पोजिशनिंग पे दर्द बहुत कम कंडीशन में देखने को मिलता है और यूजुअली जो हम कंफ्यूज करते हैं, नॉर्मली हम किडनी पेन और बैक पेन दोनों को कंफ्यूज करते हैं आपस में। तो इसीलिए मैं ये लेकर आई हूँ वीडियो जो मदद करेगी आपको दोनों के बीच में डिफरेंस जानने में। दोनों भले ही लगते एक से हैं क्योंकि पोजिशनिंग ऐसी है, किडनी हमारी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स हैं जो हमारी बैक पोजीशन में प्लेस्ड रहती हैं। तो जब भी किसी को किडनी रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो लोग मोस्टली कंफ्यूज कर जाते हैं कि जो बैक पेन है ज़रूरी नहीं है किडनी रेडिएटिंग पेन ही हो, नॉर्मल बैकएक भी हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसीलिए दो सिमिलर दिखती हुई कंडीशन आपस में अलग ज़रूर हो सकती हैं क्योंकि छोटे छोटे से डिफरेंस होते हैं दोनों कंडीशन के अंदर। अब हम बात करते हैं किडनी पेन और बैक पेन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे किडनी पेन की पोजीशन के बारे में, कहाँ से वो स्टार्ट होता है, किस तरह का पेन होता है। तो किडनी रिगार्डिंग जितने भी पेन है किसी भी इशू से, चाहे किडनी स्टोन की वजह से होगा या कोई भी किडनी में इन्फेक्शन है या रीनल सेल कार्सिनोमा है, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें किडनी सफ़र कर रही हैं या पॉलीसिस्टिक किडनी भी इवन है, तो कभी कभार पेशेंट को जो पेन महसूस होता है वो आपका प्रेजेंट होता है लोअर रिब्स के और फ्लैंक्स के बीच में। आपका जो फ्लैंक एरिया है, जो आपका ये वाला हिस्सा है बैक साइड, आपके बटक्स और आपके लोअर रिब्स के बीच में इस तरीके का वहाँ पर पेन होता है और ये पेन आपका बैक साइड से फॉरवर्ड की तरफ रेडिएट भी कर जाता है। ज़्यादातर ये देखने को मिलता है किडनी स्टोन्स के केसेस में। और जो नेचर होता है किडनी पेन का वो डल नेचर का भी हो सकता है, बहुत हल्का भी हो सकता है या कॉन्स्टेंटली बहुत शार्प, बहुत तीखा दर्द भी हो सकता है। और जितने भी आपके मस्कुलोस्केलेटल पेन्स हैं, नॉर्मल बैकएक है, जो मांसपेशी का दर्द है, वो ज़्यादातर आपका लोअर बैक में कहीं भी देखने को मिल सकता है, आपकी थाइस तक जा सकता है, आपके पैर तक जा सकता है, क्योंकि किसी भी नर्व इरिटेशन की वजह से, जैसे हम शियाटिक पेन देखते हैं, अगर शियाटिक नर्व की इरिटेशन है तो आपका लोअर बैक से लेके आपके बटक्स, आपकी थाइस, आपके नी से होते होते आपके टो तक जा सकता है, पैर तक जा सकता है। आपके जितने भी मस्कुलोस्केलेटल पेन्स होते हैं, जितने भी आपकी मांसपेशी का दर्द होता है, उनकी एक खासियत होती है, जब भी आप उस पर वहाँ पर टच करोगे, मालिश करोगे, सिकाई करोगे तो पेशेंट को आराम महसूस होता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिससे हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों ही पेन्स को। किडनी रिलेटेड जितने भी पेन्स है, चाहे यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, अगर पेशाब में कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो ज़्यादातर आपके ब्लैडर के ऊपर वहाँ पर पेन महसूस होगा। सिस्टाइटिस जब भी किसी को होता है, ब्लैडर में कोई भी सूजन है, पेशाब में जलन है, तो आपके ब्लैडर के ऊपर लोअर एब्डोमेन में पेन होता है। किडनी रिलेटेड जितने भी पेन्स होते हैं ज़्यादातर इनमें क्या देखने को मिलता है, कांस्टेंट लगातार पेन बना रहता है, चाहे हल्का हो या तीखा हो बट कांस्टेंट बना रहता है। वहीं जो आपकी मांसपेशियों में दर्द है, अगर बैकएक है, आपकी कोई भी नर्व इरिटेशन की वजह से, किसी भी कारण से है, तो ज़्यादातर वो पेन आपका एग्रवेट होता है पोजिशन बदलने पर, चाहे अचानक से बैठ के उठने पर या फिर अचानक चलते चलते बैठने पर या आपका लेटने पर, इन कंडीशंस में वो आपका पेन एग्रेवेट होता है। जैसे ही आप अपनी मूव पोजिशनिंग चेंज करते हो, थोड़ा सा भी मोबिलिटी लाते हो, चलते हो, उठते हो, बैठते हो, तो आपका पेन जो है वो बढ़ जाता है। यही एक डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो मोस्टली पेशेंट्स कंफ्यूज होते हैं किडनी पेन और बैक पेन के बीच में। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर करेगी कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। दोनों के बीच में बहुत छोटा सा डिफरेंस है लेकिन डिफरेंस ज़रूर है क्योंकि दोनों ही कंडीशन अलग अलग ऑर्गन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से है। आपका अगर स्पाइन इन्वॉल्व है, आपकी चाहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, आपकी अगर
नर्व इरिटेशन है, स्टैटिक पेन है, उन कंडीशंस के अंदर भी आपका बैकएक जनरेट होता है। और पेशेंट की अगर किडनी रिलेटेड कोई परेशानी है, चाहे किडनी स्टोन्स है या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो रही है स्टोन्स की वजह से, या पेशाब में जलन हो रहा है, कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जो किडनी तक ट्रैवल कर गया है, उस कंडीशन के अंदर कॉन्स्टेंट डल या शार्प पेन बना ही रहता है पेशेंट को। और मोस्टली ये रेडिएट करता है आपकी इनर थाइस की तरफ। जब भी बैक से पेन रेडिएट होगा, आपका फ्रंट तक आएगा और इनर थाइस ग्रोइन रीजन तक रेडिएट करेगा, आपके ब्लैडर के ऊपर रेडिएट करता है। पेशाब में जलन होना, फीवर आना और पेशाब के अंदर झाग महसूस होना, खून महसूस होना, ये सिम्टम्स पाए जाते हैं। और जो नॉर्मल बैकएक है, चाहे किसी भी नर्व इरिटेशन की वजह से है, चोट की वजह से है, या मांसपेशी में कोई भी तरह का ट्रॉमा हुआ है, इंजरी हुआ है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुआ है, उस कारण अगर कोई भी पेन बन रहा है, तो आपकी जैसे ही आप पोजिशनिंग बदलते हो, चलते फिरते हो, उठते बैठते हो, कोई भी काम करते हो, आपका पेन एकदम से बढ़ जाता है। और जैसे ही आप रेस्टिंग कंडीशन में आते हो, नॉर्मली बेड पे अच्छे से सीधे होके लेटते हो, अगर उस पोर्शन को टच करते हो, वहाँ पर हाथ रखते हो, सिकाई करते हो, मालिश करते हो, तो आपको इमीडिएट आराम महसूस होता है। अब जब कोई भी पेन किलर मेडिसिन लोगे, मसल रिलैक्सेंट लोगे, तो आपको आराम ज़रूर मिलेगा। लेकिन वहीं जो किडनी रिलेटेड पेन्स होते हैं, अगर स्टोन की वजह से है, तो जब तक स्टोन आपके यूरिनरी ट्रैक्ट से बाहर नहीं निकलता है, तब तक वो पेन ऑन एंड ऑफ बना ही रहता है। तो दोनों के बीच में बहुत छोटा छोटा डिफरेंस है, बट डिफरेंस ज़रूर है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है अपनी कंडीशन को समझते हुए। अगर आपको कोई डल नेचर का या शार्प नेचर का पेन बना हुआ है, बैक से फ्रंट की तरफ रेडिएट कर रहा है और आपके इनर थाइस तक जा रहा है, ग्रोइन तक जा रहा है, तो अपना एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाइए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई स्टोन, कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है अंदर, कोई गांठे तो नहीं बन रही है, वो एक अल्ट्रासाउंड क्लियर कर पाएगा। अगर हमें नॉर्मल बैकएक बना रहता है, तो उसके लिए आप एक एक्सरे स्पाइन, MRI स्पाइन करवा सकते हैं। स्पाइन में कोई भी चेंजेस है, चाहे डिस्क बल्ज है, कोई नर्व इरिटेशन है, या कोई भी ट्रॉमा है, उसके बारे में हमें नॉर्मल स्पाइन के एक्सरे से या MRI से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो दोनों ही कंडीशन में जो परेशानी पेशेंट महसूस करता है, उसे लगता है कि वो सिमिलर है, बट वो सिमिलर नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी दोनों के बीच में डिफरेंस को जानने में, अपनी कंडीशन को समझने में। क्योंकि अगर आपको किडनी रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं और हम उनको डायग्नोस करने में डिले कर देते हैं, तो आपकी किडनी की कंडीशन ख़राब होती चली जाती है। वहीं अगर आपकी कोई भी बैकएक है, नॉर्मल बैकएक है, या स्पाइन में कोई इश्यूज़ हैं, उसका भी अगर डायग्नोसिस टाइमली नहीं होता है, तो हमारे कर्वेचर में, हमारी चलने फिरने के तरीके में चेंजेस आने लग जाते हैं। तो दोनों ही कंडीशंस के अंदर डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है, उसका इलाज होना ज़रूरी है। नॉर्मल बैकएक के अंदर फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा मदद करती है, नॉर्मल ट्रैक्शन है या सिकाई है, हल्की हल्की एक्सरसाइजेज है, वो आपको रिलीफ देगी। वहीं किडनी पेन के अंदर अगर आप ऐसा कुछ करोगे भी, तो भी आपको आराम नहीं मिलेगा जब तक ऑर्गन एसोसिएटेड जो परेशानी है उसको आप सॉल्व नहीं कर लेते हो। अगर UTI है तो UTI का इलाज करना ज़रूरी है। अगर आपकी किडनी में स्टोन है तो स्टोन का रिमूवल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे मेडिकली या फिर सर्जिकली। तो दोनों ही कंडीशंस के अंदर अगर हमारा टाइमली डायग्नोसिस बन जाता है, तो हम आगे आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगी दोनों ही कंडीशंस को अच्छे से समझने में। दोनों के बीच में बहुत छोटा छोटा माइनर सा डिफरेंस है, बट आई होप आज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें मैं लेकर आऊँगी बहुत सी ऐसी टिप्स जो मदद करेंगी आपके किडनीज को हेल्दी रखने में। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।